दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 2021 से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा इस खबर के बारे में पूरे डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, उसके बाद इस वीडियो को कीजिए शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपडेट की तरफ, जानते हैं पूरा डिटेल से। दोस्तों एक अपडेट लगाई गई है, सीबीएसई की तर्ज पर एमपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा भी हो सकती है रद्द। अपडेट की माने तो एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य इस सप्ताह तय हो जाएगा। सरकार अगले कुछ दिनों में 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षाओं के पैटर्न का खुलासा कर देगी। सूत्रों की माने तो सरकार सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं की वार्षिक परीक्षाओं को रद्द कर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित कर सकती है। 12वीं की परीक्षा पैटर्न पर भी फैसला लिया जा सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में बढ़ते संक्रमण में परीक्षाएं करवाकर बच्चों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। पहले 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षा आयोजित होनी थी, जिन्हें जून तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई 1 मई से 31 मई तक स्थगित की गई है। सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक समिति बनाई है जो बोर्ड परीक्षाओं के बारे में फैसला लेगी। इस समिति ने सीबीएसई से भी चर्चा कर परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी ली है। ये समिति बच्चों के नफा नुकसान और कोरोना संक्रमण की स्थितियों पर भी अध्ययन कर रही है। सीबीएसई से समिति ने ये पूछा है कि 10वीं की परीक्षा रद्द कर किस तरह से आंतरिक मूल्यांकन किया जा सकता है। वहीं यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 12वीं की परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। सरकार ने 12वीं की परीक्षाएं जून माह में कराने की तैयारी की है। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इसे लेकर भी फैसला किया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन ही होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी तरह 10वीं की परीक्षा ऑनलाइन होगी या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा, इसे लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। समिति जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर इन परीक्षाओं पर अंतिम फैसला किया जाएगा। कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सीबीएसई की तर्ज पर क्या 10वीं की परीक्षा का अंतिम मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट बनाया जा सकता है? 12वीं की परीक्षा किस पैटर्न पर होगी? इस सब मुद्दों पर विचार करने के लिए विभागीय समिति बनाई है, जल्दी इस बारे में फैसला कर लिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी फैसला लिया जाएगा। और एक अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 10th क्लास के जो एग्जाम है वो कैंसिल करके उनको आगे 11th क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। दोस्तों जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट निकल कर आएगी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा सकूं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए आप लोग कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास या फिर 12th क्लास, और आगे जरूर लिखिएगा एमपी बोर्ड एग्जाम 2021, जिससे कि आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के ठीक नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।